हेलो फ्रेंड, आपका न्यू वर्क सिलाई बिनाई में स्वागत है। हम इस वीडियो में बताएंगे 7 इंच लंबा बाजू कटिंग। इसके लिए हम जो है अस्तर का कपड़ा लिए हैं। यह जो है अस्तर का कपड़ा है, इस पर जो है बाजू कटिंग बताएंगे। इधर खुला भाग है, इधर बंद है। इसको जो है एक बार और हम इस तरीका से फोल्ड करेंगे। उसके बाद जो है बहुत ही आसान है बाजू कटिंग करना, तो बहुत ही आसान तरीका से आपको बाजू कटिंग बताएंगे ब्लाउज के नाप से। तो पहले जो है आपको बाजू कटिंग से पहले आपको बाजू का लंबाई देखना है। तो इसका हमको लंबाई बनाना है 7 इंच, क्योंकि ये कस्टमर का ब्लाउज है, हमको जो है बनाने के मिला है 7 इंच लंबा। तो 7 इंच जो है हम कटिंग करेंगे, 6 इंच तक इसका ब्लाउज का जो बाजू है बन के रेडी होगा। तो हमको 7 इंच पर कटिंग करना है, क्योंकि इससे छोटा बनाना है बाजू। तो आपको जो है किसी भी बाजू को आप कटिंग करने से पहले उसका मेजरमेंट ले लीजिए, उसके बाद जो है कटिंग कीजिए। तो इसका जो है मेजरमेंट आपको लेना है इस तरीका से। तो बाजू का लंबाई जो है 7 इंच कटिंग करना है, तो 7 इंच लंबाई आपको रखना है। उसके बाद आपको मोहरी देखना है यहाँ से। तो मोहरी जो है 6 इंच आ रहा है, देखिए 6 इंच आ रहा है, तो आपको 6 इंच रखना है। उसके बाद आर्म होल का गुलाई देखना है। आर्म होल का गुलाई देखिए आ रहा है 8.5 इंच। यही 3 मेजरमेंट है, लेके अपना बाजू कटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। इसमें जो है इधर बंद भाग है, इधर से लगाएंगे निशान, इधर से रखेंगे 7 इंच। 7 इंच यहाँ से रखेंगे, ऊपर से सिलने के बाद जो है आपको 1 इंच कम होगा। यह निशान जो है नीचे की तरफ आपको लेके जाना है, इधर भी 7 इंच लगाना है। 7 इंच के बाद आपको जो है क्या करना है, इधर से 2.5 इंच डाउन करना है। तो 2.5 इंच पर एक निशान लगा लिए हैं। उसके बाद आपको बाजू का शेप देना है इस तरीके से, बाजू का शेप देना है। उसके बाद इसका मोहरी है 6 इंच, 6 इंच पर आपको एक निशान लगाना है यहाँ पर, देखिए 6 इंच पर लगाए हैं। 2 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है, 2 इंच एक्स्ट्रा इसमें है, लेकिन और कपड़ा जो इधर से ऐड करना पड़ेगा, तो और ऐड कर लेंगे हम। तो आपको जो है यहाँ से आर्म होल का गोलाई देखना है। आर्म होल का गोलाई था 8.5 इंच, तो आर्म होल का गोलाई देखिए यहाँ तक आ रहा है, 8.5 यहाँ पर है। उसके बाद इस तरह से मिलाना है आपको, देखिए यह जो है इसका फिटिंग है इस तरीका से। उसके बाद थोड़ा सा आपको कपड़ा जो है इधर से ऐड करना पड़ेगा सिलाई मार्जिन के लिए। देखिए यहाँ पर सिलाई मार्जिन है, थोड़ा सा यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसको जो है कटिंग करेंगे। इधर से बंद भाग है, तो इसको खोल लेंगे। इस तरीका से जो है इसका कटिंग हो चुका है। आपको जो है 2 इंच एक्स्ट्रा जो ऐड करना है आपको यहीं पर ऐड कर लेंगे किसी कपड़े में से, देखिए इसमें से 2 इंच ऐड करेंगे। तो देखिए इस तरह से जो है ऐड करने के बाद आप कटिंग कर सकते हैं। जैसे आपका छोटा है आस्तीन, तो इस तरीका से आप ऐड कर सकते हैं। इस तरीका से आपको जो है कटिंग करना है। इसको जो है ज्वाइंट करने के बाद इसका कटिंग हम कर लेंगे। और आपको जो है जो फ्रंट पला में झोल नहीं आता है, आपको यहाँ से इस तरीका से कटिंग करना है। देखिए इस तरीका से आपको यहाँ से कटिंग करना है। यहाँ से कटिंग करना, यह कटिंग जो है सिलाई करते समय हम करते हैं, अभी नहीं करेंगे। तो यह जो है बाजू कटिंग, 6 इंच का बाजू कटिंग हो गया है। सिलने के बाद 6 इंच इसका हो जाएगा, लंबा 6 इंच होगा। इस तरीका से जो है बाजू कटिंग कर लिए हैं। इसका मेन फैब्रिक पर भी कट करेंगे।
तो आप देख सकते हैं इसका मेन फैब्रिक पर जो है कट कर लिए हैं। आप भी इस तरीके से बाजू कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।